मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मेरा परसेंटेज बना है 93.5 और मैं मोमेंटम इंटर कॉलेज और यहाँ साइंस क्लासेस से पढ़ता था और मेरे माता जी का नाम है श्रीमती गीता देवी और मेरे पिता का नाम है श्री सुधीश मौर्य और मेरे इस मुकाम को हासिल करने के लिए मेरे कोचिंग के सभी गुरु और स्कूल के भी सभी गुरु का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो हमेशा तैयार करते थे, ये था कि मतलब सोच यही थी कि रोज पढ़े, मतलब डिसिप्लिन रखें, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं पढ़ पाते हैं, बाकी अधिकतर दिन तो पढ़ते ही थे। और इतना मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि नहीं आया तो क्या होगा, बस यही पढ़ना चाहिए। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत था कि मतलब यहाँ कोचिंग में जब ज़्यादा परसेंट आया कि कैसे लाएंगे, बाद में फिर इतना ज़्यादा वो नहीं होता था क्योंकि यहाँ पर इतना पढ़ा दिया जाता है कि सारा सिलेबस तैयार हो जाता है, जिससे ये टेंशन नहीं रहता कि आएगा या नहीं, पर कन्फर्म हो जाता है कि आएगा या नहीं। और 2-3 महीने पहले ही अंसाल सॉल्व करते थे, अंसाल में भी डिसिप्लिन रखना है, 1 सेट से 2 सेट 2 सॉल्व करना है और यही रूल मैं भी अपनाया था। और स्कूल और यहाँ पर जो टेस्ट होता है उसे कभी नहीं छोड़ना है, उसमें पूरा देना है टेस्ट, जिससे मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है। और घर पर सबसे ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि आप जानते हो कि आपको कितना आता है, बाहर कोई जाने आना है, तो घर पर ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि अगर आपको नंबर लाना है तो फिर बाहर को दिखाना नहीं चाहिए कि मतलब मैं इतना पढ़ रहा हूँ या नहीं, आपको घर पर ही ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो फिर आप ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको दिखा कर मेहनत करना है तो फिर इतना आसान तो रोज मतलब 4-5 घंटा तो पढ़ता ही था, लेकिन रोज मतलब रोज नहीं पढ़ पाता था, कभी मतलब ये टारगेट रहता था कि 4-5 घंटा पढ़ूं, लेकिन कभी 2 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन संडे को ज़्यादा टाइम देता था। और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही तैयार कर लो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में ये होता है कि मतलब ज़्यादा भागने लगते हैं इधर उधर कि क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, बस जो स्कूल या ट्यूशन में पढ़ाया जाता है वही तैयार कर लो, उसी में से आता है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि क्या क्वेश्चन आएगा, मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड में नंबर ना आए, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो मतलब पढ़ाया जाता है उसी में से आएगा। समय के अनुसार सब्जेक्ट वाइज पढ़ते थे कि कोई सीमा नहीं रहती, एक सब्जेक्ट पढ़ने लगे तो पूरा पढ़ते ही रह जाएंगे? हाँ, ये थोड़ा मतलब दिक्कत तो था ही क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट हो ज़्यादा पढ़ता था और जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो कम, इनको इंटरेस्ट सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा था, सोशल साइंस में कितना नंबर आया? 17। मैंने इनको कई बार मना भी किया, साइंस की और सोशल साइंस की किताबें मैं बंद कर देता था, घर में जाके जब इनको देखता था सोशल साइंस में बैठे हो मैं नहीं लगा पा रहा है, मतलब साइंस नहीं पढ़ पा रहे हो वो छूट जाएगा, तो ये कहते, जब मैं देखता था ज़्यादातर घर में तो सोशल साइंस में बैठा रहता था, कुछ दिन पहले मैंने बंद करवाया कि सोशल साइंस में थोड़ा कम पढ़ो, बना के लिखने वाला सब्जेक्ट है, तो ये साइंस में पढ़ने लगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में होता है क्योंकि उसमें ऐसा क्वेश्चन बोल लेता है जो अंदर अजीब जैसा होता है, और उसमें दिक्कत ये होता है कि बड़ा आंसर लिखना होता है, 80 सब से 150 सर, और उसमें हेडिंग ज़्यादा होना चाहिए और ऐसा लिखना चाहिए जो मतलब पढ़े तो उसे लगे हाँ ये पढ़ कर आया है, तो यही दिक्कत था। और उसमें अंसाल में ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे 1% उसके बारे में नहीं पता था, इसलिए ज़्यादा और साइंस मैथ में इंटरेस्ट था तो शुरू से ही ज़्यादा ध्यान दिया, तो जल्दी तैयार हो गया था, और इंग्लिश पर भी ध्यान दिया, उसमें भी 17 गए, हिंदी पेपर मतलब वो भी तैयार था पर हिंदी में पेपर देके जब आया था मैंने ना, हम गए थे इसको रिसीव स्कूल से, तो ये रो रहा था कि चाचा हमारा पेपर सब गड़बड़ हो गया, कहाँ सा बर्बाद हो गया पहले ही दिन, तो हमको तो बहुत टेंशन हुआ, हम कहे चलो कोई बात नहीं अगले पेपर पे देखो, कोई दिक्कत नहीं गया है तो बाकी कवर हो जाएगा, फिर भी उसमें लिखे थे 91 आया है, और मैथ में उसमें कितना सेट साल किए थे मैथ में? बहुत सॉल्व किया था, और वो हिंदी का पेपर गड़बड़ हो गया था इसलिए मुझे लगा कि मैथ में भी ऐसा ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए, तो उस 3 दिन में 20 सेट सॉल्व किया, 3 दिन में कितना सेट? 20 सेट।
हल्का डर रहता है कि आंसर गलत तो पूरा भी नजर आ जाएगा। और साइंस क्लासेस के हाई स्कूल के टॉपर हैं तो क्या आप ट्वेल्थ में आते हैं? कोई पूछना चाहेगा इससे कोई क्वेश्चन? अच्छा बताओ साइंस में कितना नंबर है? उसमें भी 97 मैक्सिमम इनके सही सब्जेक्ट में 97 ही है। में 97 कला में 82 है। कला में 82 कैसे कमाया इसने? हाँ सारी चीजें लिखे थे मतलब बनाए थे स्ट्रक्चर। हो सकता है एक दो में हो गया होगा, एक दो सेंटीमीटर प्राविधिक लिए थे तो एक दो सेंटीमीटर में उसमें गलत होता है तो पूरा काट देते हैं इसलिए। चलो बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है आप लोग का इससे हो तो पूछ लो। हाँ पूछना हाई स्कूल में तो पूछना चाहिए जो आपकी बात पेपर देने वाले कि कैसे सेट किए थे क्या चीज़ थे। सुन रहे हो दो दिन का जो गैप था कितना दिन का मैथ में? 3 दिन का। 3 दिन में 20 सेट और 20 सेट के लोग पूरे सलेम नहीं कर पाते हैं। सही है। 3 दिन में नहीं कर पाते हैं। मैं रात में सच में बता रहा हूँ 2-2 बजे जब ये पढ़ता था तो मैं कभी कभी जग के इनको सोने के लिए बोलता था, डांटता था, किताब बंद कर देता था कि लाइन देना तबीयत खराब हो जाएगी और पढ़ाई और डिस्टर्ब हो जाएगी। मेहनत किया है, ये बहुत मेहनत किया, ऐसा नहीं है ये पसंद आना इतना आसान नहीं होता है।